जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा। एक रखेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवी जीवे पाकिस्तान मैंने लंदन में 71 में लिखा था, 45 वर्ष का हूँ। असल में लोगों ने, जब मैंने लिखा था तो उस वक्त नारे लग रहे थे सूबाइयत के, बहुत ज़्यादा, जिए बंगला, जिए सिंध, जिए पंजाब। ठीक है, मैं भी कहूँगा जिए बंगला, जिए सिंध, जिए पंजाब। लेकिन मैंने कहा कि मैं तकरीर कर रहा था कहीं, करते करते ये बात आई, मैंने कहा सब जिए फुला 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 कह रहे हैं, लेकिन कोई जिए पाकिस्तान नहीं कह रहा, क्या बात है। पाकिस्तान तो एक सुप्रीम ऑल कम्प्रिहेंसिव चीज़ है। तो मैंने उस वक्त लिख दिया ये। तो वहाँ 14 अगस्त का जलसा हुआ था लंदन में, उसमें मुझे बुलाया उन्होंने, सारा जो पाकिस्तानी ट्रिफाल्गर स्क्वायर में करते हैं, बल्कि किया उस साल उन्होंने ख़ास तौर पे 40-50 हज़ार आदमी जमा हो गए, जबकि कुल 10 हज़ार से ज़्यादा होते नहीं है ट्रिफाल्गर स्क्वायर। तो वहाँ मैंने पढ़ा, वहाँ ये टेरेबली पॉपुलर हुआ, मुझे कंधे बिठा के ले गए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक, सारे रास्ते गए और ये सारा, फिर सारे हिंदुस्तान में फैला, यूरोप में फैला, यहाँ आ गया फ़ौरन। उस वक्त तो जराए ऐसे थे यहाँ, तो उस वक्त लिखा था, उस वक्त से चल रहा। EMI थी यहाँ एक कंपनी रिकॉर्ड करने वालों की, अब भी अब तक भी चल रही थी उनकी, तो बंद हो गई फिर कई बरस बाद, तो उसने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, 25,000 रुपये का वादा किया था, तो दिया नहीं फिर। खैर, जो फिर आवाम ने दे दिया, मकबूलियत ने दे दिया, तारीख ने दे दिया, वो इतना है मेरे लिए कि 25,000 की क्या हैसियत है। रेडियो भी उसी वक्त आ गया, रेडियो भी तो पहले आया था, बहुत जलसों में गाया। एक दफ़ा नूरजहाँ ने भी गाया था कहीं, और नूरजहाँ ने तो बाहर तो यही गाया है एक ज़माने में, जब से आ गया था उनका, तो मैं उनकी आवाज़ पर तो फिदा था मैं। लोग तो साथ खड़े हो जाते थे, पागल हो जाते थे, बोल तो मेरे साथ दोहराते हैं अभी, अंतरा मैं नहीं दोहराने देता क्योंकि वो लंबा होता है, मुझे पढ़ना होता है। लेकिन जब मैं अंतरा ख़त्म करके जीवे पाकिस्तान उठाता हूँ तो लोग उठाते हैं मेरे साथ अब भी। मुझे ये फील होता है कि मैं कुछ इंस्पायर कर रहा हूँ, मैं तो मैं उससे खुद इंस्पायर होता हूँ बहुत हर दफ़ा। ये दो लोगों की दिलों की आवाज़ है, लोगों के दिलों की जहनों की आवाज़ है कि जो लफ्ज़ बनकर सामने आ जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। जीवे क्या है और जीवे जीवे क्या है, पाकिस्तान तो है।